हेलो. सो मैं तो इतना एंथुजियास्टिकली हेलो बोलती हूँ. ठीक है, तो बेसिकली हाँ तो बेसिकली मैंने थोड़े दिन पहले एक Q&A डाला था इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मेरा मन था Q&A करने का और उसका ब्लॉग बना के हम यहाँ पे डाल रहे हैं. दीज आर माई सिस्टर्स सारांशी, 17 साल हो गए हैं. सारांशी तो है, सारांशी नहीं है क्या? इसको से प्रोनाउंसिएशन क्या है? सरांची सरांची तो बोला, वो बाद में आई थी, उसको पता है तुझे. सरांशी तो बोला. मैंने ज्यादा टाइम किसने स्पेंड करा है? ज्यादा टाइम क्योंकि किसने क्योंकि स्पेंड करा है? सारांशी क्योंकि टाइम चुपो. सारांश ये तो का निगलेक्ट छोटा कर देती सारांशी थी. होगा ना अगर. तो सॉरी ये तो प्रोनाउंसिएशन चेंज ये तो निगलेक्ट कर देती थी. देख साथ में कौन रहा हमें है. हाय भी नहीं हो रहा है. गीतांशा को आप जानते हैं? चलो इसका तो सेम ठीक है, बोलते तो बोल दे गीतांशा. तो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे इन दोनों को बता दिए हैं. अब ये मुझसे वो क्वेश्चंस पूछेंगी एंड Q&A होगा. यू नो हाउ Q&A वर्क्स. और नॉर्मल चीज़ मैं पहले बता देती हूँ, नॉर्मल चीज़ आपको पता ही होगी, मैं 22 ईयर्स की हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं शायद. 22 की हाँ, इसका 23 की 24 दिसंबर मेरा बर्थडे होता है. तो हाँ, उसके आगे क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन, गीतांशा, फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न गिटार? इज इट पॉसिबल टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब? गिटार मैंने यूट्यूब से सीखा था. ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू लर्न गिटार फ्रॉम यूट्यूब. भी मैंने मुझे 18 ईयर्स की थी तब, जब 18th बर्थडे में मुझे गिटार है सॉरी हाँ 16th बर्थडे मम्मी ने मुझे गिफ्ट नहीं आज मेरा नाम भूल गई थी गिफ्ट नहीं आज 16th बर्थडे मम्मी ने मुझे गिटार गिफ्ट किया था. उसके बाद मैंने अपने बारे में नहीं पता तू क्या क्वेश्चन आंसर खेलेगी. एटीन बर्थडे में मैंने उसको बजाना स्टार्ट किया था और दो साल रखा है. हाँ, 2 साल नहीं बजाया. तो मुझे ऐसे था कि भाई अब बजा लेते हैं, क्योंकि मुझे फिर ऐसा अपलोड करने का शौक चढ़ गया था. पहले यूकुलेले पे करना स्टार्ट किया, फिर गिटार तो था, मैंने गिटार को ठीक कराया. उसके बाद मैंने यूट्यूब से सीखा. पहले मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर सीखूंगी ना कॉर्ड्स एक एक करके, पर मैं बहुत इंपेशेंट हूँ तो मैंने ऐसे गाने सीखने स्टार्ट कर दिए कि 2 कॉर्ड्स में सॉन्ग्स और 3 कॉर्ड्स में सॉन्ग्स. ऐसे करके मुझे कॉर्ड्स आ गए, स्ट्रमिंग पैटर्न्स आ गए. एकूस्टिक पहाड़ी बहुत अच्छा चैनल है, तो ऐसे कुछ चैनल्स हैं उनके थ्रू आई लर्न्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल टाइम में कभी बंक किया है? स्कूल टाइम में बंक नहीं कर पाया. मैं बहुत शरीफ बच्ची थी यार, मतलब हाँ इतनी सैड होगी क्यों बता रही है यार. क्योंकि मेरे को ऐसे तरस आता था तेरे दोस्तों में कि वो ऐसे शरीफ कहाँ थी? नहीं शरीफ थी. अच्छा मैं घर पे लगती. अरे मैं घर पे भी शरीफ हूँ, क्या करा मैंने? इसके दोस्तों में तरस आता था. मेरे दोस्तों में भी तरस आता तुझे? क्योंकि वो ऐसे मिनते कर रहे थे. मैंने एक बार मेरे को एक बार याद है, तू बहुत खुश होकर कहानी बता रही थी कि तुमने जोमैटो से स्कूल में कुछ ऑर्डर किया. अरे वो तो छोटी मोटी खुशियां थी मेरी. तो मेरे दोस्तों ने एक बार प्लान किया था कि हम सारे मिलके बंक मारेंगे, और तो उन्होंने मुझे मतलब इतनी छूट दे दी कि तू घर पे बता दे, यूनिफॉर्म में आ जाओ ताकि बंक वाली फील आ जाए. तो स्कूल में बताइयो, घर पे बता के आ जाओ. मैं तब भी नहीं गई. मैं बहुत छोटी बच्ची हूँ, मैंने ऐसे कोई बंक वंक नहीं मारा. अब दुख होता है, एक बार तो मार लेना चाहिए था. मेरी बेस्ट फ्रेंड श्रेया जो पिछले वाले ब्लॉग में थी, ब्लॉग नंबर 4, वो मेरे पैरों में गिर चुकी है लिटरली कि प्लीज़ एक बार चल ले. नहीं, मैं स्कूल के बाहर से अलग से कभी वैन तक, चाइनीज वैन तक कुछ खाने भी नहीं जाती थी. हाँ सीरियसली. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स यू फील मोस्ट अलाइव? व्हाट मेक्स मी फील मोस्ट अलाइव? व्हेन आई एम परफॉर्मिंग ऑन स्टेज. स्टेज पे अगर मैं परफॉर्म कर रही हूँ, लोग मेरे आगे डांस कर रहे हैं, लोग वाइब कर रहे हैं, अगर लोग साथ में गा रहे हैं, मेक्स मी फील अलाइव. नाइस क्वेश्चन. योर फर्स्ट प्रपोजल? ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है. मेरा फर्स्ट प्रपोजल तो मेरा एक पड़ोसी, मेरे बिल्कुल साथ वाले घर में मेरा पड़ोसी रहता था. अगर मेरा ब्लॉग देखे तो जो फॉलो करता है वो मेरा ब्लॉग देख रहा है तो हेलो. तो मेरा पड़ोसी था वो मुझे एक्चुअली इतना ऐसा कुछ था नहीं था यार, हम छोटे थे तो हम ऐसा बस बहुत बात करते थे. तो हमारे किसी नेबर ने ऐसा वो कर दिया था कि अरे ये दोनों तो छुप छुप के खिड़कियों से बात करते हैं. तो ऐसा खिड़की वाला रोमांस, मेरी मम्मी को पता चला, मेरी मम्मी ने मुझे मना कर दिया इससे बात नहीं करनी.
अब खिड़की से हम बात करते थे तो मैं ऑब्वियसली उसको कैसे बुलाती, तो मैं अब ये रिवील कर रही हूँ कि मैं उसे कैसे बुलाती थी, कि हमारे घर जुड़े हुए थे और जो मेरी वॉल थी और उसकी वॉल थी बिल्कुल एडजेसेंट थी, तो मैं कोहनी मारती थी वॉल पे ठक 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 करके। अब मैं कोहनी मारती थी तो वो कोहनी मतलब उधर से उधर उनको आ जाती थी, अब उसे आवाज आती थी तो वो विंडो पे आ जाता था, फिर मैं विंडो पे आ जाती थी, फिर हम दोनों बात करते थे, फिर हम ऐसे कभी कभी ऐसे करते थे, कभी कभी हम घरों में अपने अपने गाने बजाते थे, जैसे मैंने कोई गाना बजाया उसके रिप्लाई में उसने कोई गाना बजाया अपने घर में, फिर मैं अपने घर में गाने बजा रही हूँ, ऐसे बड़ा खिड़की वाला रोमांस था पर वो बहुत शॉर्ट लिव्ड था। काफी काम आएगा ऑटोबायोग्राफी ठीक है, तो ये था थोड़ी सी ऐसी स्टोरी थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भरत और अनुज से कैसे मिले? भरत और अनुज से तो भरत अनुज तो एक दूसरे को पहले से जानते थे, वो मतलब हम सारे मिलके एक संगीतकार करके एक ग्रुप चैट में थे, वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, मेरी बात भरत से होती थी और उसके बाद थोड़ी बहुत अनुज से स्टार्ट हो गई थी। हम तीनों ने मिलने का प्लान बनाया था दिल्ली में, जहाँ तक मुझे पता, ये स्टोरी में बताया मतलब उससे पहले उन्होंने प्लान बनाया था मुझे वो नहीं पता, मेरे से दोनों ने एक साथ मिलना था, अनुज आ रहा था और भरत आ रहे थे दिल्ली और मुझे उन्हें मिलना था, पर कुछ हुआ था कि अनुज नहीं आया था और अनुज का कैंसिल हो गया था तो सिर्फ भरत आया था, और भरत को मैं हौज खास लेके गई थी या हौज खास बोल, मैंने उसको, मेरे को लगता था कि हौज खास को जग मतलब एक जगह है, मैं उसको हौज खास बोल कहीं और ले गई थी अपेरेंटली, चंपा गली वॉज द प्लेस। तो मुझे खुद को दिल्ली के रास्ते नहीं पता, अगर तुम लोगों ने अनुज के भरत के ब्लॉग्स देखे वो बहुत अच्छे से बता रहे होंगे, तो ऐसा है सच में है, मेरे को नहीं समझ आते, तो मैं उनको लेके गई थी, वहाँ मैं भरत से मिली थी, उसके बाद अगले दिन भरत और मैं मिलके सरोजनी में गए थे, वहाँ भी मिले थे, वो दोनों बार भरत से मिली थी, और उसके बाद आफ्टर अ वाइल्ड जिस ब्लॉग में अनुज ने एक ब्लॉग बनाया हुआ है, तो एक ब्लॉग अनुज ने बनाया हुआ है मीटिंग मी, तो वो वाला हाँ, तो उस ब्लॉग में ही मैं अनुज से पहली बार मिली हूँ, तो अगर आपने ब्लॉग देखा है तो या दैट वॉज मी मीटिंग अनुज। उसके बाद मैं दोनों से एक साथ मिली थी, मेरी बहन के कॉलेज में कॉन्सर्ट पे गए थे, उसके बाद हमने मिलके मीटअप किया था, तो वो स्टोरीज आपको अगर पता है इफ यू फॉलो इट वेरी लाइक उस पे डेस्परेटली सॉरी रिलीजियसली या तेरे वर्ड्स कहां गए, इंग्लिश अच्छे इसकी, रिलीजियसली अगर फॉलो करते ऐसा। फेवरेट वेब सीरीज ओरिजिनल्स, द ओरिजिनल्स मुझे बहुत पसंद है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी वेरी अंडररेटेड, हम दोनों मिलकर उसको 7 से 8 बार देख चुके हैं, 9वीं बार हम फिर से देख रहे हैं, स्पिन ऑफ है वो वैम्पायर डायरीज का, बट नॉट लाइक वैम्पायर डायरीज एट ऑल। अगर बचपन की कोई फेवरेट मेमोरी, बचपन ये तो तुम बता सकते हो यार, नहीं हम इतनी है ट्रॉमा हमारी फेवरेट हमारी ट्रॉमा बॉन्डिंग हो जाएगी थोड़ी सी हमारी, सबर तमीज नहीं है, सबर नहीं है आप में, मेरे ब्लॉग में हाय बोल दो फिर आप, मैं रोमांटिक गाना सुन रही थी मुझे तेरी याद आ रही थी। क्या रोमांटिक गाने सुनते मेरी याद आ रही थी, आपको वेट करना पड़ेगा, सॉरी। जैसे मैं बड़ी हो रही थी, हर एक साल बाद 2 महीने के लिए वो पीरियड आता है, मैं बड़ी हो रही थी तो ऐसा होने लग गया था कि बड़ी हो जाती है और हम छोटे लोगों से इसको बात करना पसंद नहीं है, अपनी बहन का नाम बोलना भूल जाती है, एज कैप भूल जाता आता है ये हर साल। अरे मतलब ऐसा हुआ था कि अब फिर वो अब यार तुम बड़े हो जाते हो तो लोग ऐसे करते है ना कि गेम्स खेलने मजा नहीं आता है, वो इमेजिनरी इनकी शी वॉज द वन जिसने वो गेम्स इन्वेंट करी थी, उसमें जो बेस्ट नाम होता था विच क्वेश्चन आया ये खुद लेती थी, उसके बाद हम राधा कृष्ण की गेम खेलते थे और खुद ही से राधा बनी थी, जब भी भूत वाले गेम खेलते हम दोनों भूत बनते थे और ये मेन कैरेक्टर खुद को, जब हम नाचते थे ये बीच में खड़ी होती थी, तो ये फेस ये तो बहुत झूठे, मेरे पास वीडियो जिसमें तू बीच में खड़ी है, मैं अकेली हूँ क्योंकि इसमें अगर तीनों होते तो फिर वो अलग होता, ट्रू ट्रू वेरी ट्रू, ये मुझे विलन बनाते, मैं इतनी विलन थी भी विलन इसने मुझे बहुत ट्रॉमा दिया, मैंने कोई ट्रॉमा नहीं दिया, इसने बोला था ब्लडी मैरी से इसकी एक दोस्त मर गई, इसने मुझे बताया था बचपन में 6th 7th की बात है कि इसने डोरेमोन को इसकी एक दोस्त ने डोरेमोन को बुला लिया, तो ये कह रही थी कि इसके घर में एक नानी के घर में एक स्टार बना हुआ था, बनाया गया था और वो किफायती साबित हुआ था कि नहीं हुआ था,
आई थी ना ब्लडी मैरी आई थी ना डोरेमोन भी आया था हाँ ब्लडी मैरी वी हैव डोरेमोन और हम कमरे में बैठे थे सारे कजिन्स और मैं सबसे छोटी थी और लाइट गई और ये लोग भाग गए और मैं कमरे में अकेली रो रही थी वो बहुत अच्छा था मतलब ना हमने हाँ हम ना मतलब ब्लडी मैरी बुलाए थे और सारे कजिन्स वगैरह बैठे हुए पता नहीं अचानक से क्या हुआ हमने तीनों चिल्लाए मैं हम सारे चिल्लाए गई थी तब ब्लडी मैरी तीसरी बार ब्लडी मैरी बोला ना एकदम से ना सारी लाइट चली और हम सारे बाहर भाग के गए सिर्फ की नहीं आ पाए और मैंने शीशे में खुद को ऐसे हफ्तों तक नहीं देखा था क्योंकि तूने शीशे में खुद को क्यों नहीं देखा क्योंकि ब्लडी मैरी हो जाती थी शीशे से तूने बताया था तेरा दोस्त शीशे से गया था बोल के इसलिए मैं तो शीशे के अंदर चला गया था एग्जैक्टली देखा मैं डिलूलू थी भाई डिलूलू इतना गंदा शब्द मत बोल अच्छी सही में मतलब ये जेंजी लोग देखते हैं ना डिल्यूशनल थी भाई मैं शायद से अपेरेंटली हम कोई गेम खेलते थे शनाया शनाया जो मैंने इन्वेंट किया शनाया मतलब और फिर उसमें एक मेन कैरेक्टर लड़का था इमेजिनरी बॉयफ्रेंड था मेरा एक जो हमारे अकॉर्डिंग सबसे वो मेन कैरेक्टर लड़का ही हैंडसम था बाकी सारे साइड कैरेक्टर इसने मेन कैरेक्टर वाले से शादी कर ली फिर हमें वो साइड कैरेक्टर वाले पकड़ा दिए एक बार तो कि तुम वापस में चूज कर लो तुम्हें जो चाहिए रख लो और ये कभी भी मरी ये कभी नहीं मरी कभी मैं मर रही हूँ कभी मैं मर रही हूँ कभी बॉयफ्रेंड्स मर रहे हैं ये मेन कैरेक्टर हमेशा मर ही नहीं सकती है और हमेशा जिसको किडनैप होना होता था वो ये होती थी क्योंकि मेन कैरेक्टर फिर बचाने आता था इसको भी कॉन्जरिंग गेम खेलते थे उसमें तक ही भूत नहीं मरी सिर्फ डाइविंग दिया इसने अरे नहीं हम एक गेम खेलते थे वो हमने अभी रिसेंट में भी खेले बता एक साल भी नहीं हुआ इसके घर में खेलिया हम ना पिल्लोज ऐसे रखते थे और ऐसे कंपार्टमेंट्स बनाते थे हाँ। और भूत वाली गेम खेलते भी सबसे आगे बैठी थी मैं बीच में बैठती थी मिन्नी तू सबसे आगे बैठी थी तेरे में अभी तक है ये चीज क्योंकि तुमने मुझे सबसे आगे हर साल होता है ये होता है तुमने मुझे सबसे आगे बिठाया था क्योंकि सबसे पहले भूत सबसे आगे वाले को ही लेके जाता है कुछ नहीं ऐसा ही था डोंट मैं इतनी बुरी नहीं हूँ मैं तो मेमोरीज दे रही थी अच्छी भी मेमोरीज अच्छी मेमोरीज तो बताओ हाँ ये मैं डांस कोरियोग्राफ कराती थी अभी सिखाती थी इसके साथ तुम देखी होगी एक डांस वीडियो ऑल सचिनो पे हाँ देखना नहीं देखना ये हमारे कॉस्ट्यूम डिजाइन करती हूँ मेरे बहुत आउटफिट दिखाओ नहीं दिखाओ मेरा बहुत सारी हेयर स्टाइल मैंने बहुत मेरे इनको बच इसके इतने लंबे लंबे बाल थे मेरे फैशन शो करते थे इसने मेरा मेकअप किया है मैं तुमको फैशन करना सिखाया मैंने इसका ब्रेसलेट तोड़ा था इसने मुझे कुछ नहीं कहा ये एक अच्छी चीज है ये स्टोरीज बतानी होती है ऐसे बकवास मत बताओ तुम लोग तूने एक बार उसकी पेंटिंग फाड़ी थी जिसने चाटा मार दिया था आई क्लियरली रिमेम्बर चाटा तो नहीं मारा होगा आई क्लियरली चाटा नहीं मारा होगा हाथ पकड़ा था गुस्से में मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मुझे याद है मेरे को बहुत गुस्सा आया था मुझे बहुत गुस्सा आया था इस मैंने बहुत मेहनत से पेंटिंग बनाई थी कुछ नहीं गई थी बड़ी हो गई मैंने इसका हाथ बहुत गुस्से में ऐसे पकड़ा था और ड्रामेटिक थी ऐसे रिंतु वो करती हुई भागती मम्मी के पास भागती हुई पर मामी मेरी साइड लेती थी तो मामी को मैं शिकायत लगा देती थी तो ऐसा था कि मेरी मम्मी इसी साइड लेती है क्योंकि बुआ और मामी मेरी साइड लेती है तो हाउ मेनी आवर्स अ डे डू यू प्रैक्टिस हाउ मच टाइम डू यू गिव टू रिकॉर्डिंग्स आवर्स अ डे आई प्रैक्टिस मतलब आई डोंट प्रैक्टिस यार आई शुड प्रैक्टिस मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ रिकॉर्डिंग में कभी डिपेंड करता है कभी कभी आई एबल टू रिकॉर्ड वन गो कभी कभी टेक्स 50-60 मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग में जाता है मैं अपने कमरे सबको बाहर निकाल देती हूँ पर आज मैं लिटरली रिकॉर्ड करी थी मेरे को इतना पसीना भी आँखों में पसीना चला गया हाँ ट्रेजेडी है स्ट्रगल आपके बारे में कुछ मेरे बारे में कुछ इतना तो बता दिया और हाँ, क्या मेरे बारे में मेरी कुछ क्वालिटीज बताओ चलो अरे अच्छी होनी चाहिए कुछ क्वालिटी चलो मैं अच्छी बता देती हूँ अच्छी बता मैं नहीं बता तू बता नहीं तू मेरे साथ रहती तू मेरी बता दे तू मेरी बता दे मैं बुरी तो मैं बता चुकी हूँ क्या कैमरा इतनी बुरी नहीं बोल सकती तू अच्छी बता दे एक तो की सबसे अच्छी की बहुत काइंड है और शी केयर्स अबाउट पीपल थैंक यू और शी सिंपथाइजेस विद पीपल कुछ ज्यादा ही
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो खत्म. आपकी यहाँ तक की जर्नी के बारे में बताओ. कुछ प्रॉब्लम्स आए? फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत. चलो खत्म, व्लॉग एंड करते हैं. बिल्कुल मैंने बिल्कुल ही सपोर्टिव नहीं है मेरे घर वाले, गाने नहीं देते. मम्मी ने 16 साल की मतलब जनरली मम्मी ने 16 ईयर्स मुझे गिटार दिला दिया था. ऐसा कुछ नहीं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है. टच वुड. मेरी मम्मी खुद भी गाती है, उनको गाने का शौक है. साइड में बैठी हुई है वैसे, वो देख रही है मुझे तो गाती है ये. और ये भी गा लेती है थोड़ा बहुत. ये भी गाती है तो हम दोनों हम मिलके एक कवर भी अपलोड कर सकते हैं सून. अगर आप स्टे ट्यून्ड रहोगे तो आपको चलेगा. ऐसे बहुत सारे क्यू एन एज और करेंगे. थैंक यू सो मच आप लोगों को, आपने इतनी तारीफ करी मेरी. बाय.